हेलो गाइस, कैसे हो। मेरा नाम है चेतन, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको भी जो है विंक ऐप में लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, विंक ऐप से यहां पर लॉगिन नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि विंक ऐप में कैसे लॉगिन कर सकते हैं वो आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते या गूगल से लॉगिन करना चाहते या SMS से लॉगिन करना चाहते लेकिन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोडिंग लेता है, इसके बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोडिंग लिया, रिक्वेस्ट फेल प्लीज टाइप अर्जिन, इस तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लॉग इन करेंगे विंक ऐप में, वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो बैक आ जाएंगे। ओके, बैक आ जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आप क्या करेंगे वो आपको बता देता हूँ। बैक आ जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको ओपन करना है प्ले स्टोर। क्या ओपन करना है आपको? प्ले स्टोर ओपन करना है अपने मोबाइल में। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल में। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आपको सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर टैप कर देंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं सर्च के ऊपर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है VPN। ओके दोस्तों, आप पावर VPN भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोई भी VPN डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको कनेक्ट कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर डाउनलोड करने वाला हूँ पावर VPN। ओके, आप जो भी करना चाहते हैं वो कर लेना। तो चलो गाइस यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। तो चलो गाइस डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद में बैक आना है। बैक आ जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, VPN डाउनलोड किया था इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं स्किप मार देता हूँ एड को, इसके बाद में अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है अनस्टेड, मतलब यहाँ पर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, लास्ट वाला अनस्टेड स्टेट। तो इसको यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पर आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं ए वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर पावर के ऊपर टैप कर देना है। टैप करने के बाद में ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ओके करना है, इसके बाद में अलाउ करना है। इस अलाउ करने के बाद में VPN है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ओके, VPN कनेक्ट हो जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आप विंक ऐप है इसको ओपन करेंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर मैं विंक ऐप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपका लॉगिन है वो यहाँ पर 100% हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मेरा हो चुका है, यहाँ पर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली। तो गाइस लॉगिन हो जाने के बाद में गाइस यहाँ पर आप VPN को आप डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है विंक ऐप में लॉगिन कर सकते हैं वो आपको बता दिया है। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी प्रेस कर देना। तो चलो अगले वीडियो मिले तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।